नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लग रहा है, उनके लिए अगर एक कंप्यूटर मिल जाता तो मदद हो जाती। आजकल कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है सर। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्राइमरी पाठशाला में कंप्यूटर शिक्षा का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। वैसे फिर भी इसको स्पेशल केस मानकर हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, इसको पूरे सामान को रखो। और हाँ भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कहिए। वो महेंद्र यादव वाला केस है ना, उसमें जो रिपोर्ट फाइल हुई है उसको थोड़ा नरम कीजिए, इट्स टू हार्श। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, महेंद्र यादव शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक के नाम पे गंदा मजाक है सर। वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बुरा इन्फ्लुएंस है बल्कि दूसरे शिक्षकों को प्रभावित भी करता है। वो हमारी सिस्टम की खराबी का जीता जागता नमूना है सर। आपको महेंद्र यादव जैसे लोगों की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप मुझे मत बताइए। चलो ड्राइवर, कितनी बार कहा है सीधी करके लगाया, बिल्कुल नहीं सुनते, हमेशा गाड़ी उल्टी लगाता। तो बच्चों ये क्या है, इसके बाद क्या होगा, और फिश की स्पेलिंग क्या है, FISH। तो क्या लिख दिया, अब इसके बाद क्या होगा, ये कौन लिखेगा, आप लिखोगे। ठीक है, आइए यहाँ पे गर्ल लिखिए, उसके बाद आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे। ठीक है। अरे वाह मां साहब, तो BSA साहब ने आपकी बात मान ली, बच्चों के लिए लैपटॉप दे दिया। वे देज़ अवेल। जहां चाह वहां रहा। वाह मां साहब, बहुत खूब। मां साहब, बाहर मीडिया वाले आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जी मां साहब आ रहे हैं बस। ओके जी। आशीष जी, ज्ञानेंद्र P7 न्यूज से, आपका एक इंटरव्यू लेना है। एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है जी। क्या हम क्लास के बाद मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ओके, मैं इंतजार करता हूँ। जी ऑफिस में लेके जाओ। जी साहब आइए। क्या अजीब आदमी है, मतलब लोग मीडिया में आने के लिए क्या क्या नहीं करते। और ये है कि रेडी, साउंड आ रहा है मनोज जी? ओके। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियाँ शायद आशीष जैसे अध्यापकों के लिए ही लिखी जा सकती हैं। देखें जरा, आशीष जैसे अगर 1000 अध्यापक तो देश में हो जाएं, तो इस देश की दशा और दिशा दोनों ही बदली जा सकती है। कैमरा पर्सन मनोज गोस्वामी के साथ ज्ञानेंद्र शर्मा, P7 न्यूज के लिए खुरंड। अरे वाह मां साहब, तो मीडिया सीरिया, आप तो बड़े कूल हो गए हैं। हाँ अरे कूल गुरु, अरे नहीं नहीं गुरु कूल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज आप टीवी पे आए, हम बहुत खुश हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम भी टीवी के बारे में ही सोच रहे थे। लैपटॉप हो गया, अब अगर एक टीवी और DVD प्लेयर भी हो जाता तो जो एक्सपोजर शहर के बच्चों को मिलता है वो हमारे स्कूल के बच्चों को भी मिलता। एक बात बताइए, लैपटॉप आप अपने पैसे से लाए ना? हेलो। हेलो, हाँ आपको टीवी मिल गया क्या? हाँ जी, मेरे सामने है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप, लेकिन आप कहाँ हैं? हम थोड़ा आगे जाइए टीवी के पास। टीवी के पास जी? आ गए। तो थोड़ा और आगे जाइए। लीजिए। अच्छा, तो थोड़ा खिड़की की तरफ देख लीजिए। ये लीजिए, हम आपकी ये डिमांड भी पूरी कर दिए। अब प्रकाश डालिए, क्यों मंगवाया ये सब? वो इसलिए कि बच्चों को सिखाने की बजाय अगर सीखने का मौका दिया जाए तो ज्यादा आसानी और जल्दी से सीखेंगे, चीजों को समझेंगे, परखेंगे। वी नीड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग रादर देन टीचिंग। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप इसमें बच्चों को मनोरंजन भरपूर शिक्षा वाली चीजें दिखाएंगे ताकि बच्चे बोर भी ना हो और कुछ सीखे भी। जी
शिक्षा में नीरसता की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमें ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर बनाना होगा। वैसे बोर तो हम भी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं आपको कभी कॉल कर लिया करें, फिर डर जाते हैं। कॉल करने का मन तो हमें भी करता है, लेकिन हम भी डर जाते हैं। अरे आप क्यों डरते हैं? हमें लगता है कहीं आप कुछ गलत ना समझ बैठे। अरे आप हमको रोज फोन किया करिए, हम आपसे घंटों बातें करेंगे। आपको पता हम आपको फोन करने से क्यों डरते हैं? क्यों? हमको लगता है कहीं आप फिर से पाठशाला के लिए कोई डिमांड ना कर दें। मासाब, 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 बच्चे खाना खा के उल्टी करें, कुछ बच्चों की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लगती है। मासाब आइए ना जल्दी, आइए ना मासाब, आइए ना मासाब, मासाब आइए ना, मासाब आइए ना जल्दी। क्या हुआ बिटिया? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, जल्दी कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जल्दी लेके चलो। हाँ मैं साहब आया आया। नन्हे संभालो, नन्हे आ रहा है। गाड़ी भगाओ, बच्चों को संभाल के, संभाल के, मां संभाल के, नन्हे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हटो ना मां साहब, चलो चलो, बाकी बच्चों को जल्दी लेके चलो, बाकी बच्चों को उठाओ, जल्दी लेके आओ बच्चों को, जल्दी जल्दी करो, गाड़ी बिठा लो, कुछ नहीं होगा, चलो। अरे मां साहब आ रहा है, मां साहब गिर गए, बाकी बच्चों को एम्बुलेंस में डालो, लाओ लाओ, गाड़ी निकालो जल्दी। हां मां साहब, अरे अरे बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा कुछ नहीं होगा। मासा, मासा, क्या हुआ? बच्चे ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ का, हमारे बताइए तो, क्या हुआ? क्या हुआ बिटुआ? रात काफी हो गई है, आप घर चले जाइए। आपके बच्चे खतरे से बाहर है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। इस पूरे मिड डे मील प्रकरण में आप किसे दोषी मानते हैं, और आपके हिसाब से हेडमास्टर आशीष को किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए? देखिए, आशीष कुमार एक आदर्श शिक्षक है, हमारे सिस्टम को ऐसे टीचर्स की बेहद जरूरत है। मेरा एक सुझाव है, आप एक बार उस स्कूल में जाकर, उस गांव में जाकर वहां का दौरा करें, वहां के लोगों से मिलकर फिर कोई निर्णय लें। क्या मां साहब, देख लिया सरकारी स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाने का फल? ये जो सरकारी तंत्र है ना, यहां सब कुछ भ्रष्टाचार से ही चलता है। यहां पर जो भी ईमानदारी से काम करता है उसका यही हश्र होता है, जैसा आपका हुआ है। वैसे आज भी हमारे स्कूल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और हम सरकारी वेतन से ज्यादा वेतन आपको देंगे। आराम से सोच के बताइए मां साहब। प्रणाम। चलो अपने आगे क्या सोचा है?
ये धुंध छटने का इंतजार है। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो बिल्कुल कितनी नीच हरकत किया। और ससुराल मिल जाए ना तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मास्टर जी को हम जाने नहीं देंगे, उनका गलती नहीं है। हमको कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ये हम सब गांव वालों को मिलना पड़ेगा इसके लिए। एकदम। अरे हम सब इकट्ठे होंगे तभी उनको बचा सकते हैं, वरना कोई नहीं बचा सकता। सही बात। मास्टर की नौकरी गई का पक्का बता रहा हूँ मैं। और आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि आपके बच्चों का बहुत बड़ा भला हो रहा है, मास्टर आप लोगों के बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है। खिलवाड़ तुम कर रहे हो? हाँ है? तुम खिलवाड़ कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? जिस मास्टर ने हम लोगों को सुधार दिया हो वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है, पकड़ लो इसे। ये सारा किया धरा तुम्हारा है। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया मेरी बात छोड़ो। मेरे छोड़ो ए पकड़ ले, आओ आओ जल्दी आओ। बहुत पकेती कर रहे थे ना उस दिन, आधा मारी डालेंगे। पकड़ो इसको, बड़े को इसको भी बताएंगे। जल्दी उसी के साथ मिला तुमको नहीं छोड़ेंगे, बताएंगे। मारो इसको पकड़ के। जांच दल, जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ। आशीष कुमार सर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आशीष कुमार निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आज यहां पर एक जांच दल आया हुआ है जो पूरे इस मिड डे मील हादसे की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। गांव वालों का कहना है हेडमास्टर आशीष कुमार इस पूरे मामले में निर्दोष हैं और उन्हें भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने की सजा मिल रही है। गांव वालों ने यहां पर स्कूल को घेर रखा है और उनका कहना है आशीष कुमार जब तक निर्दोष साबित नहीं होते तब तक हम यहीं रहेंगे। और उनका ये भी कहना है कि आशीष कुमार को दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया तो हम भी अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला नहीं भेजेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखिए मेरे साथ में बुंदेलखंड कनेक्ट। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आशीष कुमार निर्दोष है, निर्दोष है। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ। बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी। तो भीड़ इकट्ठा करके आप हम पर दबाव डालना चाहते हैं? सर गांव के लोग इमोशनल होते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यह भीड़ किसी तरह शांत हो जाए। आपके अनुसार वैसे इस घटना में दोषी कौन है? मेरे हिसाब से अच्छे परिवर्तन का विरोध करने वाली मानसिकता ही इस घटना की दोषी है। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ। जांच दल, वापस जाओ, वापस जाओ। इस प्रकार अगर आप गोलमोल बातें करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सर स्कूल का हेडमास्टर होने के नाते इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी तो मेरी है ही। इस बात की आपको सजा मिल सकती है। मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, बस मुझे पढ़ाने के अधिकार से वंचित मत कीजिएगा। देखिए आरंभिक जांच में हमें आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और वैसे भी आपने इस स्कूल के लिए जो किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है और हमें आप जैसे शिक्षकों की सख्त जरूरत है। पर फिर भी हमें आपके खिलाफ कोई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब आप जाइए और बाहर की भीड़ को शांत करवाइए और स्थिति को नॉर्मल कीजिए। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। प्रारंभिक जांच में निरीक्षक दल ने मुझे निर्दोष पाया है। अब आगे भी मैं अध्यापक के तौर पे काम कर सकता हूँ और ये सब आप लोगों के सहयोग और समर्थन की वजह से ही संभव हुआ है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जिद छोड़कर वापस चले जाइए। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस हो गया, यही आपकी शिक्षा का सार।
प्रेम, दया और करुणा की बातें करते फिरते हैं और खुद ऐसे चोरों की तरह बिना किसी को बताए। इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है मासा? क्या ये अत्याचार नहीं है? Not cool at all, Maassab. Not cool at all. Maassab, आपने शिक्षा और शिक्षा के तरीके पे बहुत पढ़ाई की होगी, लेकिन विश्वास और मानवीय संबंधों की इस परीक्षा में आप फेल हो गए। मास्टर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, चोरी छिपी किया हुआ काम अच्छा कैसे हो सकता है? हम तो सोचे थे कि सबसे बड़े साथी तो हम हैं, मगर आप हमसे भी बड़े बदमाश और धोखेबाज निकले। आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ पेट की भाषा समझते हैं? मासाब, हम गांव वाले दिल की भाषा भी समझते हैं। कभी आइए हमारे अखाड़े में, आपको भी सिखा देंगे। वैसे तो हम चोरन के पकड़े थे तो बहुत मारे थे, मगर मासाब आप ही वो पहले चोर हैं जिससे मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं कि भैया ये चोरी का है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई गई जो जो आप हम लोगों के लूट के जा रहे हो? मासाब, हम गरीब लोग भरोसे पे ही जीते हैं, मगर हमारा भरोसा रोज तोड़ा जाता है। कभी अस्पताल, कभी स्कूल, कभी प्रशासन, हर कोई हमारा भरोसा तोड़ जाता है। और आज आप भी। मासाब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ मासाब, प्लीज डोंट गो मासाब। कम हियर माय डियर, किशन का नहीं है, मैंने तेरे लिए अंदर मंदिर बनाया। मेरा मकसद किसी के विश्वास को तोड़ना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। यहां आने से पहले मुझे लगता था कि मैं एक श्रेष्ठ शिक्षक हूं। मैं उन्हीं पुरानी चीजों को नए तरीके से सिखाने को ही शिक्षा समझता था, लेकिन मैं भूल गया था कि जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जीवन हमें रोज अनूठे तरीके से नई चीजें सिखाता रहता है, और आज आप लोगों ने मुझे
प्रेम की भाषा सिखा दी, वो प्रेम जो किसी रिश्ते संबंध या व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये किसी विचारधारा या आस्था से ऊपर होता है, जैसे आप लोगों का प्यार मेरे लिए है। यह प्रेम ही सर्वोत्तम शिक्षा है और इसी प्रेम से उपजी हुई चेतना की वजह से आज आप और हम एक हैं। मैं आया तो एक शिक्षक बनकर था, लेकिन एक विद्यार्थी बनकर वापस जा रहा हूं। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं वापस जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा के लिए वापस जा रहा हूं। मैं वापस आऊंगा आप सबके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यार के लिए। इतनी अनमोल धरोहर को पीछे छोड़कर जाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, नहीं है मेरे बस की बात। मार्ग साहब की विदाई ऐसे नहीं होगी, धूमधाम से 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 होगी। मास्टर साहब की विदाई ढोल नगाड़े के साथ होगी, नाच गाने से होगी। की वापसी भी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ होगी। क्यों प्रधान जी? रुको रुको रुको,